सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी के कार्यों को किया बखान, कहा पीएम मोदी ने असंभव को भी संभव बनाया। कांग्रेस का बीजेपी पर वार, कहा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही, सरकार ने नौजवानों से झूठे वादे किए। आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर हमला, 3 से ज्यादा समर्थक घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। शामली में गैरेज में लगी आग, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हुई राख, आग के कारणों का नहीं चला पता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने असंभव को भी संभव बनाया है। मंगलवार 7 दिसंबर का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन गोरखपुर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 8,603 करोड़ रुपए के खाद कारखाना, 1,011 करोड़ से गोरखपुर में ही बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत से बनने वाले आरएमआरसी के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है, यह राष्ट्र को समर्पित होगा। ₹12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। लखनऊ में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार मांगने पर नौजवानों को पीटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में बस गिने चुने दिन ही बचे हैं और ये नौजवान की बीजेपी का अहंकार तोड़कर सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों से झूठे वादे कर सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार ने अपना चरित्र बार बार दिखाया है, उसे नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार लाठीचार्ज मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं और कांग्रेस ने बीजेपी पर वार किया है। कहा है कि अंशु अवस्थी ने, कांग्रेस प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नौजवानों से झूठे वादे किए हैं और इसीलिए बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ती जा रही है। नौजवानों से झूठे वादे कर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार ने फिर से अपना चेहरा दिखाया है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों, युवाओं और युवतियों पर जिस तरीके बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार को नौजवानों की कोई चिंता नहीं। वो लोकतंत्र में तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, नौजवानों की बात सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपने भाषण देना चाहते हैं। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई। 70 लाख नौकरियों का वादा करने वाली भाजपा सरकार, जिसने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम सभी विभागों की विज्ञप्तियां जारी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो जुमला निकला। प्रदेश में नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। नौजवानों के मां बाप के दर्द को बिना परिवार वाले मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ नहीं समझ रहे।
बुलंदशहर में रालौद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर अचानक गोलीबारी से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बीते दिन ये नेता हाजी यूनुस बीएसपी को छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए थे। वहीं रविवार को वो भाईपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान शादी समारोह से लौटते समय हाजी यूनुस के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने जमकर गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 से ज्यादा समर्थक घायल हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। अठावले ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत बार जनता को धोखा दिया था। अठावले ने कहा कि पीएम मोदी में सभी वर्गों को लेकर चलने की क्षमता है और आने वाले चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। तो ऐसे में कुशीनगर पहुंचे तो अठावले जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर वार किया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत में भी विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। इस नए वेरिएंट से खतरे के मद्देनजर लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां सभी सैलानियों और दुधवा पार्क के समस्त स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं मास्क न लगाने पर ₹500 जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो लखीमपुर में आपको बता दें ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क जो है लोगों को कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क में भी अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर पहुंचने वाले सैलानियों को कहा है और वहां के जो लोग हैं, जो वहां का प्रशासन है, उन्हें भी मास्क लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तथ्य संज्ञान में आया कि दुनिया के अंदर एक नया स्ट्रेन आ गया है कोविड-19 का, ओमिक्रॉन, तो उसको लेके काफ़ी सजगता है देश के अंदर भी। जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं इस समय, तो पार्क प्रशासन भी इसको लेके सजग है। और अभी हम लोगों ने ये निर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो भी वहाँ पर पर्यटन के लिए आ रहा है वो मास्क का निश्चित तौर पर प्रयोग करेगा और उसके बगैर उसको इजाज़त नहीं होगी अंदर जाने की। उसी प्रकार से जो गाइड्स हैं उनसे भी अपेक्षा की गई है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो पर्यटक अंदर जा रहे हैं वो मास्क धारण करें, और यदि इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो गाइड के ऊपर भी कार्रवाई होगी, पर्यटक के ऊपर भी ₹500 जुर्माने लगाने का प्रावधान जो है वो रखा गया। यूपी के पीलीभीत में बीते 21 नवंबर को सदा कोतवाली में एक छात्रा ने गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर पर सेक्स रैकेट चलाए जाने के मामले में FIR दर्ज कराकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी प्रोफेसर को 26 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इसी मामले को लेकर एक जांच टीम भी बनाई गई थी जो कि बरेली जनपद पहुंची और इस दौरान टीम ने सभी पहलुओं से मामले की जांच की है। तो पीलीभीत का पूरा मामला है जहां पर प्रोफेसर पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सेक्स रैकेट चलाने का आरोप छात्रा की तरफ से लगाया गया है। टीम इसीलिए आई थी कि कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके लिए सही से चीज़ें होती हैं, कॉलेज में किस तरीके के टीचर्स हैं, उनका किस तरीके का व्यवहार है, इस चीज़ के लिए आई थी। और कॉलेज में आप सभी जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसी चीज़ के विषय में आई थी। पीलीभीत में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी पुलकित खरे ने इस वैन को हरी झंडी दिखाई। ये LED वैन शहर में घूम घूम कर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करेगी। तो तस्वीरें देख सकते हैं पीलीभीत की, जहाँ पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने इस LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मतदाताओं को जागरूक ये वैन करेगी और किस तरह से मतदान करना है इसके बारे में मतदाताओं को जानकारी देगी। आयोग के निर्देश के क्रम में आज जनपद पीलीभीत में मतदाता जागरूकता के लिए LED वैन रवाना करी गई। ये 3 वैन हमारे चारों विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ पे जो भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, बाजार हैं, चौक हैं, हमारे जो बूथ हैं, वहाँ पे जाके मतदाताओं को जागरूक करेंगी कि किस तरह से अपना मतदान निष्पक्ष रूप से है, जिस भी दिन चुनाव घोषित होता है उस दिन अवश्य करें। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहाँ प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण 1090 जैसी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन आरोपी हैं कि बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला
मनकापुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 6 महीने पहले एक लड़की की शादी हुई थी। वहीं शादी में दहेज देने के बाद भी ससुराल पक्ष के लगातार महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं मांग पूरी न होने पर आखिर में ससुराल पक्ष ने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मनकापुर पे कल 3 दिसंबर को दहेज हत्या का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। सीओ मनकापुर साहब के नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर इस घटना से संबंधित जो महिला का जो पति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सीओ मनकापुर को निर्देशित किया गया है कि इस घटना का पूर्ण रूप से फॉरेंसिक एवं पूरे टेक्निकल के हिसाब से इसकी विवेचना करें और इसमें जितने भी जो अभियुक्त हैं उन सब की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजे। उसके ससुराल वालों ने 2 तारीख को गला दबा के हत्या कर दी और अभी तक जो है FIR इन्होंने 3-4 तारीख में 3 तारीख में FIR तो इन्होंने दे दी है, लेकिन सिर्फ एक बच्चे की, उसके एक लड़के की यानी कि उसके पति की सिर्फ गिरफ्तारी की है पुलिस ने, बाकी सदस्यों को उन्होंने छोड़ रखा है। पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने जितने एफर्ट्स लगाने हैं, जितने अपनी करने के हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है बाकी व्यक्ति जितने भी दोषी हैं उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी तहसील निघासन के गौरैया गांव में धान गेहूं सेंटर पर फरीद ऑयल दिखाकर गरीबों के फर्जी अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए डाले गए और निकाले गए। इसको लेकर गरीबों के राशन कार्ड निरस्त हो गए। वहीं गरीब पीड़ितों ने कई बार मामले में जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं निघासन तहसील में करोड़ों के हुए फर्जीवाड़े को लेकर सपा के प्रदेश महासचिव राजीव गुप्ता ने जिले के अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन तक इसकी शिकायत की है। में फर्जी अकाउंट खोल दिए गए और धान गेहूं खरीद सेंटर से उनके खाते में 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए के हिसाब से आया और पैसा बाद में निकाल लिया गया। अब उन लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए। उन लोगों ने संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों को लिखित शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मेरे द्वारा चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव गृह, जिलाधिकारी, DGP और लखीमपुर के SP साहब को यह सूचना दी गई है। इस पर हाई पावर कमेटी की जांच कराकर इस घोटाले को पकड़ा जाए और इन पर बड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही गरीब लोगों को जो राशन कार्ड काटे गए हैं उनको बहाल किया जाए। मेरठ में खुशहाल कॉलोनी में फिर ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी मच गई। आपको बता दें कि यहां कुछ बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमीरपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कमलेश होटल का है, जहां चोरों ने होटल से चोरी की हजारों की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के शामली में उस हड़कंप मच गया जब एक गैरेज में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। वहीं इस हादसे में गैरेज में खड़ी करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। वहीं मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। DCR कंट्रोल रूम के थ्रू सूचना मिली कि गुलजारीलाल मंदिर है, मंदिर के पास वाली गली में कोई मकान में घटना हुई है, तो उसके दौरान में 2 गाड़ी निकाल दी गई क्योंकि जनपद की सकरी गली का मैटर था, तो 2 गाड़ी जो हमारे पास यहाँ पे रहती है उसको निकाल दिया गया। लेकिन आकर देखा गया कि एक वर्कशॉप टाइप है, तो यहाँ पर पता गया कि वर्कशॉप नहीं है, लेकिन कुछ एक दो लोग हैं उनकी 8-10 गाड़ियाँ एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पर खड़ी रहती हैं। तो फिर उसको देखते, क्योंकि सभी गाड़ियों ने आग पकड़ी हुई थी, तो उसमें ये बताया गया CNG सिलेंडर्स भी हो सकते हैं, LPG सिलेंडर्स भी हो सकते हैं, उसकी ग्रेविटी को देखते हुए जनपद की बाकी और सभी गाड़ियों को मौके पर तत्काल बुलाया गया और मैं भी मौके पर तत्काल ही वहाँ पर पहुँचा। तो पूरा रिव्यू करने के बाद आग को भी पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन फिर भी संभावना ये सबसे ज़्यादा इसमें थी, सिलेंडर कोई ब्लास्ट हो जाए तो जनहानि भी हो सकने की संभावना थी।
उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हमने गाजियाबाद के नंदग्राम में एक गृहिणी से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनका रसोई का बजट किस तरह से आखिर चल रहा है और वो क्या अपने रसोई के बजट से खुश हैं या फिर ना खुश हैं और इस बार वो किस सरकार को बनता देखना चाहती है। आप भी देखिए उनका क्या कुछ कहना है। जय हिंद, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कौन सीएम की कुर्सी इस बार संभालने वाला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम गाजियाबाद में पहुंचे हैं और गाजियाबाद के एक इलाके में पहुंचे हैं जहां पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गाजियाबाद का कृष्णा कुंज है। आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है। मेरा नाम सुनीता गौतम है। तो सुनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि सब्जियों का जो रेट है वो बिगड़ रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं, क्या वाकई रसोई का जो नमक है वो ढीला पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है? वो तो है भाई, देखिए हर चीज़ों में ऐसी बात नहीं है कि महंगाई बढ़ी नहीं घटी नहीं, पिछले हिसाब से तो अब बजट ज़्यादा ही आ रहे हैं। जो हम 5 में कर लेते थे वो 2 हो गया, 10 में हो रहा है। जो 5,000 में कर लेते थे वो 10,000 में हो रहा है। अच्छा, जो 5,000 में, इनकम भी बढ़ी होगी इसी तरह से? ऐसी कोई बात नहीं, प्राइवेट सर्विस में कोई इनकम नहीं बढ़ी है। अच्छा, जो सैलरी इन्होंने कहा था इनकम बढ़ी है, इनका कहना है नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाली हूँ तो मुझे पता है बढ़ी है। हाँ जी, चलिए, प्राइवेट वालों की प्राइवेट जॉब में जितनी मिलती थी उतनी ही मिली, कोरोना काल में कम करके मिली, 10% मिली सैलरी। अच्छा, फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे करके घर चलाया। चलिए देखिए, बातें करते करते एक सब्जी वाला और आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा था कि सब्जियाँ जो है रुक रही हैं, लेकिन चलिए, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, कि उस टाइम रुक रही थी, अब आ रही है। हाँ, अब तो आ रही है, अब सस्ती भी है। किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिवान जिला। अच्छा, बिहार से हैं। तो क्या लगता है इस बार योगी जी फिर बैक मार रहे हैं, आने वाले हैं योगी जी? आने वाले हैं। अच्छा, क्यों 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 देखना चाहते हैं उनको बनते हुए मुख्यमंत्री? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। अच्छा, कोई एक काम ऐसा जो उन्होंने अच्छा किया हो? अभी बहुत क्या वैक्सीन के टाइम में बहुत लोगों को मदद की है। अच्छा, किस तरह से, वही जानना चाह रहे हैं ना, कोई एक काम जैसा आपको पता होगा, जैसे रसोई का अगर बात की जाए। रसोई में नहीं है, रसोई में नहीं है। अच्छा, रसोई में कोई काम नहीं किया? नहीं। तो योगी जी आपके रसोई में थोड़ी आएंगे काम करने? नहीं नहीं, रसोई में कुछ नहीं किया, मगर और जगह से, और जगह जैसे आपका यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, फ्लाईओवर वगैरह बहुत अच्छे, रास्ता वगैरह सारे चीज बनाए हैं। अच्छा, औरतों के लिए भी बहुत सेव किए। अच्छा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ तो योगी जी है ही नहीं? नहीं, इधर ही है, मगर बहुत काम। अच्छा, उत्तराखंड के रहने वाले, इसलिए उत्तराखंड के लोगों की मदद की है? नहीं किया, उत्तराखंड के मदद नहीं कर रखा, मगर फिर भी यहाँ फ्लाई वगैरह गाजियाबाद में बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, वो हाँ, वो जो हैं वो प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं वो केंद्र सरकार के हैं, मोदी सरकार के हैं? चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, इस बार सरकार कौन सी बनने वाली है? योगी सरकार। अच्छा, योगी को क्यों देखना चाहते हैं? अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि उनके राज में गुंडागर्दी बढ़ गई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल। और रसोई के बजट की बात? रसोई की क्या, रसोई की तो वह बजट घटते बढ़ते रहते हैं। अच्छा, अभी भी आगे भी बढ़ेगा घटेगा कुछ पता? कुछ पता नहीं है। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जी, राधिका गुप्ता। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि इस बार क्या योगी जी होने चाहिए या परिवर्तन होने चाहिए? देखिए बीजेपी का नारा है परिवर्तन, इसलिए पूछ रहे हैं। योगी जी होनी चाहिए। अच्छा, परिवर्तन नहीं होना चाहिए? योगी होना चाहिए, योगी ने बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या क्या किए हैं? सब कहते हैं बढ़िया काम किए हैं, हाईवे बना दिया, रोड बना दिया। वो तो कौन से वाले हाईवे की बात कर रहे हैं? गाजियाबाद में बहुत सारे फैसिलिटी हो गए ना। अच्छा, गाजियाबाद के हाईवे की बात करें, एलिवेटेड की बात करें, योगी सरकार कहते हैं हमने बनाया, फीता उन्होंने काट दिया है। और अगर NH-24 की बात करें, NH-9 की बात करें, वो केंद्र का प्रोजेक्ट है। चलिए आपसे बात करते हैं, आप घर में रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं, स्कूल फीस क्या कुछ इन 5 सालों में बढ़ी है घटी है क्या? नहीं सर, बढ़ गई है, बल्कि घटी नहीं है। क्या बजट रहा है इस बार अगर बच्चों की बात की जाए? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, साथ में उनकी सब चीज़ों का ध्यान रखना, ड्रेस हो गया, कॉपी किताबें हो गई, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ाई में यूज़ होती हैं, तो इन 5 सालों में क्या रहा है, बढ़ी है? नहीं सर, हम तो सारी फीस गई है हमारी तो। अच्छा, बच्चों की जी। अच्छा, स्कूल में कोई मनमानी तो नहीं होती है ऐसा कुछ? नहीं। ये जानना चाहेंगे, रसोई का बजट कैसा रहा है आपका? रसोई का बजट तो भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कम करने के लिए किस सरकार को सपोर्ट करेंगे? योगी जी। चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के लिए इस बार भी फिट है? हाँ योगी जी।
अच्छा क्यों फिट है ये वो तो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम क्या कर रहे हैं इसकी नॉलेज थोड़ा सा कम है। चलिए इनका कहना है कि अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, हम ये सोचते हैं ना ये योगी सरकार मतलब कि ठीक है, लेकिन अगर मायावती के हम जो हैं, हम तो हैं दिल से उनके मायावती के, लेकिन जो उनके सांसद हैं वो कभी यहाँ आए नहीं, ना कोई शिलान्यास किया। वो कहते हैं कि मायावती जी ने बोला है कि मीडिया में नहीं आना है, शांत रह के काम करना। तो उसे कैसे, जनता को कैसे पता चलेगा जो हम हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारा सांसद कौन है, क्या कर रहा है हमारे लिए? अगर ये कन्वर्ट कर, विधायक की बात की जाए, विधायक चुनाव आना, हाँ विधायक अपना चेंज करे तब जाके हम कहीं उनको सपोर्ट करें। हाँ अब कैंडिडेट तो लगभग पहले से अपना भी जो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर बीजेपी में पहुंच चुके हैं या समाजवादी पार्टी में पहुंच चुके हैं, बचे कुछ जो हैं वो यहाँ हैं। इस हिसाब से तो लगता है जिससे पिछली बार 19 सीट आई थी, इस बार 19 भी खतरे में। वो तो है, लेकिन यहाँ गाजियाबाद में अपना चेंज करेंगे जब भी कुछ हो पाएगा उनके लिए। अच्छा तो क्या लगता है कौन होना चाहिए गाजियाबाद में? गाजियाबाद में अगर अपना विधायक चेंज करके, इस 5 सीट हैं गाजियाबाद की, आपके हिसाब से साहिबाबाद की बात कर लेते हैं जी। तो कौन होना चाहिए? पिछली बार अगर बात की जाए बीएसपी से लास्ट जो रहे हैं वो अमरपाल शर्मा रहे हैं जी। तो क्या आज तक हमने उन्हें देखा ही नहीं है, कभी आए ही नहीं, कोई दुख सुख पूछा ही नहीं, तो हम क्या जाने? पार्टी कांग्रेस से पहुंच के अब दोबारा समाजवादी में पहुंच गए, तो बस ऐसे ही करते रहे तो ऐसे सरकार भी चलेगी उनकी। इसलिए अब अगर हम चाहेंगे तो भी बीएसपी को कैसे बना सकते हैं जब हमारे पास, मतलब आपको चाहिए कि जो भी सांसद हो, पार्षद हो या विधायक हो, वो जनता के बीच आए, उनकी सुने। वो है योगी जी की जो पार्षद है, जो आप अभी हुए थे डॉक्टर, क्या नाम, जहाँ कोई भी पार्षद थे वो आते थे, वो आते थे, मिलते थे पर्सनली, सब सबकी समस्याओं को बुझते थे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए महिलाओं से तो जो उनका कहना है, उनका यही कहना है कि रसोई का बजट तो बिगड़ा है लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ही इस बार मुख्यमंत्री बनने चाहिए। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। We'll be right back.